प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूबे नूं अपील की सी कि महंगाई घटाओ, पेट्रोल ते लग्या वैट हटाओ तां जो लोगों नूं राहत मिल सके, पर हुण सूबे ने इकट्ठे होकर केंद्र नूं घेर लिया ते नाल ही नसीहत वापस नरेंद्र मोदी नूं ही दित्ती जा रही है कि केंद्र पहलां अपनी पीढ़ी हेठां सोटा मारे। देशवासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी। अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। स्टेट गवर्नमेंट नू वैट घटाने की नसीहतें देके केंद्र सरकार और मोदी साहब आपका पल्ला नहीं चढ़ सकते हैं। उन्होंने भी अपनी जिम्मेवारी का एहसास होना चाहिए। एक पासे तेल दीआं कीमतां घट कीतीआं जाण सेंटर वल्लों, दूजा तेल पदार्थां नूं GST दे दायरे च लिआंदा गया। दूसरे नूं सलाह देनी चंगी सलाह है, माड़ी सलाह नहीं है, लेकिन इहदे नाल नाल एक्साइज ड्यूटी घटाउणी चाहीदी है और जिहड़ा सेस लग्गिआ विआ उह जीरो करना चाहीदा, उह केंद्र सरकार वल्लों। अब आपसे मेरी प्रार्थना कि देश हित में आप पिछले नवंबर में जो करना था 6 महीने डीले हो चुका है, अब भी आप अपने राज्य के नागरिकों को वैट कम करके इसका बेनिफिट पहुंचाइए। महंगाई के मसले से जो प्रधानमंत्री ने गैर बीजेपी शासित सूबे नु एक सलाह दी तो सूबे ने प्रधानमंत्री लई नसीहतां दी झड़ी ला दी। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सने कई खेतरी दल मोदी सरकार दे दुआले हो गए ने। मांग उठी है कि सूबे नूं अपील करन तो पहलां केंद्र अपनी पीढ़ी हेठ सोटा मारे, केंद्र पेट्रोल नूं GST दे दायरे च लियावे ते नाल ही अपने हिस्से दे जो वैट अते एक्साइज ड्यूटी लाई जांदी है उह भी घटावे। देशवासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी, पिछले नवंबर महीने में कम की थी। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करें और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करें। इसके बाद कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। इस वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें इन राज्यों में अब भी दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। मैं यहां किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आपके राज्य के नागरिकों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी केंद्र सरकार नूं और BJP नूं ये याद करवाना चाहूँगा कि किस तरीके दे नाल पिछले 5 सालों दे विच पेट्रोल डीजल दे उपर जिहड़े चार्जेस ने वो तकरीबन 250% ने जिहड़े उन्हां दी सरकार वल्लों वधा दित्ते गए ने। शायद प्रधानमंत्री जी वो दिन भी भुल गए कि जद पिछले साल कोविड की वजह करके इंटरनेशनल मार्केट दे विच डीजल और पेट्रोल दे क्रूड ऑयल दी प्राइसिस ने जिहड़ियां वह पिछले 50 सालों के लोएसट लैवल के उपर सीगिया, पर उन्होंने वालों देश के लोगों को कोई भी राहत नहीं दी गई सी। कल्ला स्टेट गवर्नमेंट नू वैट घटाने की नसीहतां दे के केंद्र सरकार और मोदी साहब आपका पल्ला नहीं चढ़ सकते हैं। उन्होंने भी अपनी जिम्मेवारी का एहसास होना चाहिए और प्राइसिस ने जिहड़ियां वो सेंट्रल लैवल के उपर घटनिया चाहीदियां ने। सिर्फ ये कह के पल्ला नहीं चढ़ाया जा सकता है। सो मोदी साहब नूं बेनती करदे आ कि इस तरीके जिस तरीके तुसी कल कोऑपरेटिव फैडरलिज्म की गल की है, बिल्कुल आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी सरकार कोऑपरेटिव फैडरलिज्म दे पहरेदार ने, इसकी सपोर्ट करते हैं, पर सिर्फ कहने नाल काम नहीं चलना है। लंघे वरे 2021 च दिवाली मौके केंद्र सरकार ने पेट्रोल ते एक्साइज ड्यूटी कटाई सी अते सूबियां नूं भी आख्या सी। उदों बहुते राज्यां ने तां अपने हिस्से दा वैट थोड़ा घटा लिया, पर कईआं ने गौर नहीं कीता। तेल ते वैट ना घटाउण वाले सूबियां दे विच महाराष्ट्र, तेलंगाना, पछम बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरल, झारखंड ते तमिलनाडु शामिल ने।
2021 च जो पंजाब च कांग्रेस की चन्नी सरकार सी तां वैट कटाया गया सी। प्रधानमंत्री की मांग दे नाल हुण भी कांग्रेस सहमत है पर अपनी मांग भी प्रधानमंत्री के सामने रख दिती है। जिहड़ा उन्होंने सेस ला रखे अगर सेस जीरो कर दिता जाए या घटा दिता जाए अगर एक्साइज ड्यूटी घटा दी जाए ये राज्य सरकार भी होर सौखा हो जाएगा। केवल दूसरे को सलाह देनी चंगी सलाह है माड़ी सलाह नहीं है लेकिन ये एक्साइज ड्यूटी घटानी चाहिए है और जोड़ा सेस लग्या हुआ वो जीरो करना चाहिए वो केंद्र सरकार वालों। सर देश के ज्यादातर हिस्सों में पेट्रोल 110 रुपए के पार है और जिथे सूबा सरकार ने वैट नहीं घटाया उन्होंने सूबे पेट्रोल का रेट 120 के पार भी है। वैसे अजकल यूक्रेन रशिया वॉर करके कच्चे तेल का भाव आम के मुकाबले वध है पर जो कच्चे तेल का रेट घट भी होंगे ता भी भारत पेट्रोल का रेट कई देशों के मुकाबले बहुत वध होंगे। तुम दस दें कि पेट्रोल के रेट आखिर तय किवें होंगे ने। पेट्रोल पहला रिफाइनरी तो खरीदया जाता है, पेट्रोल फिर डीलर नूं मिलदा है जिस ते केंद्र दी एक्साइज ड्यूटी लगती है, डीलर दा कमीशन इस दे विच पाया जांदा है ते फिर सूबा सरकार दा वैट लगदा है। सारे टैक्स ते वैट लगन तो बाद ही पेट्रोल पंप तो जनता तेल खरीददी है। तेल दे रेट च वड्डा हिस्सा टैक्स दा ही हुंदा है ते ही टैक्स सरकारां दी कमाई दा जरिया भी। इसे लई सरकार अपने हिस्से दा वैट ते एक्साइज ड्यूटी नहीं छड्डना चाहुंदियां ते नतीजा लोकां दी जेब खौली हुंदी जांदी है ते मुश्किलां वधदियां जांदियां ने। विधानसभा चोणां दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह ते बीजेपी दा गठजोड़ सी पर दोवें ही पार्टियां नूं मूंह दी खाणी पई पर हुण आगामी जो चोणां होणियां ने खास करके जिमनी चोणां ते निगम चोणां उस दे लई बीजेपी तैयार है। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल गठजोड़ होएगा या नहीं इस ते सस्पेंस है क्योंकि बीजेपी कह रही है कि फैसला हाईकमान लवेगी। ਪੁਰਾਣੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇਗੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਜੀ ਔਰ ਉੱਪਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਣੇ ਲਏਗਾ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੋਨੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। इस बार तैयारी है संगरूर लोक सभा सीट से होने वाली जिमनी चोण की, चार नगर निगम जलंधर अमृतसर लुधियाना पटियाला होने वाली चोणों की। चंडीगढ़ बीजेपी ने बुधवार को मीटिंग की थी जिस विच चोणों के मद्देनज़र मंथन किया गया। बीजेपी किसी पार्टी नाल गठजोड़ करेगी या नहीं यह हाईकमान से छड़ दिता है। बीजेपी इकल्या चोणां लड़न की भी तैयारी कर रही है कितना ना कितने, तो ये बारे की लगता है? ऐसा है कि उस वेले 117 सीटां जो लड़निया सी पार्टी ने समग्र 117 सीटां ते ही तैयारी की थी। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने और पार्टी ने बैठ के विचार किया और गठबंधन होया। अज भी असी पूरी तरह नाल सारे ही चोणां लड़न की तैयारी च पार्टी लगी है। लेकिन अंतिम निर्णय जिहड़ा पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और पंजाब का नेतृत्व बैठ के फैसला लेगा। जो केंद्रीय नेतृत्व का फैसला आएगा वो क्योंकि एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है ना एक परिवार की पार्टी है बीजेपी। बीजेपी के अंदर अपना एक संसदीय बोर्ड है वो निर्णय लेंदा है, उस वेले निर्णय आ जाएगा। लेकिन अज पार्टी पूरे नगर निगम की और पार्लीमेंट की तैयारी जमीनी स्तर के उत्ते शुरू कर कल तो पार्टी ने की है। पंजाब च विधानसभा चोणां बीजेपी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी, पंजाब लोक कांग्रेस और सुखदेव सिंह ढींडसा की पार्टी श्रोमणी अकाली दल संयुक्त नाल मिल के लड़िया सन। चोणां लड़िया सी उस दे करके भी एक बड़ा नुकसान उस समय चलना पिया। ऐसा है कि कल समय लेना जदों किसी नाल गठबंधन हुंदा ना गुण और दोष दोनों कट्ठे हुंदे ने। जित भी कट्ठी है यही अजे गठबंधन अगर जित प्राप्त कर लैंदा फिर की कहिंदे। इस करके समूहिकता दे नाल हर जिहड़ी लोकां दा फतवा उन्हूं बीजेपी स्वीकार किया। बीजेपी ने बीजेपी प्रधान अश्विनी शर्मा ने फिलहाल कह दिता है कि चोणां लड़न दा फैसला हाईकमान ने करना है कि किसी पार्टी नाल गठजोड़ होवेगा या नहीं। पर पंजाब कांग्रेस के प्रधान राजा वड़िंग ने कैप्टन अमरिंदर सिंह ते कुछ इउं तंज कसिया। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਅਕੇਲੇ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,
वो तो चलो हुण उन्हां नूं समझ आ गई कि कैप्टन अमरिंदर सिंह दर्शनी घोड़े ही है कल्ले उन्हां नूं इलैक्शनां तों बाद समझ आई। पंजाब च विधानसभा चोणां च बीजेपी पंजाब लोक कांग्रेस अते श्रोमणी अकाली दल संयुक्त दे हथ निराशा लगी सी। तीनों पार्टियां मिलकर 10 सीटां भी जित नहीं सी सकियां। बीजेपी ने पंजाब दीआं 65 सीटां ते चोण लड़ी सी। बीजेपी नूं केवल 2 सीटां ही मिल सकियां। पंजाब लोक कांग्रेस ने 37 सीटां ते चोण लड़ी। पार्टी पंजाब विच खाता भी नहीं सी खोल सकी। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी अपनी सीट नहीं सी बचा सके। श्रोमणी अकाली दल संयुक्त हिस्से 15 सीटां आईयां सन। पार्टी भी कोई सीट नहीं सी हासिल कर सकी। आम आदमी पार्टी नूं पंजाब च 42.1% वोटां पईयां। कांग्रेस नूं 22.98% वोटां मिलियां। श्रोमणी अकाली दल नूं 18.38% वोट मिले। बीजेपी दे हिस्से 6.60% वोटां आईयां। बीजेपी हमेशा ही पंजाब विच अपना वोट बैंक शहरां विच मानदी आई है। हुण शहरी चोणां च बीजेपी की कमाल दिखाउंदी है इस समां ही दसेगा। पंजाब मेल दे विच अज दे लई इन्ना ही। मैनूं दिओ इजाजत। परदेश दुनिया ते पंजाब दी हर वड्डी खबर देखण दे लई देखदे रहो एबीपी सांझा।